सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप सब सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोग के लिए सेकंड हैंड कार की डील लेके। लेकिन ये मतलब बहुत सारा कार नहीं होगी, सिर्फ इसमें एक कार होगी और बहुत ही डिमांडिंग कार है। आप लोगों के साथ टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा क्या है, महिंद्रा की थार रहने वाली है। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ और टाइटल देखकर आप लोग पता चल ही गया होगा। तो ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कार है। आप लोग को जो थार लवर है उसको तो पता ही होगा उनको कि इसकी वेटिंग भी एक एक साल की वेटिंग रहती है। अभी तो आप लेने जाओ तो कम से कम आपको 6 महीना या 5 महीने का वेटिंग आपको रह जाएगी। तो आज मेरे पास सेकंड हैंड ये मतलब डील अच्छी डील आई हुई थी जो कि बहुत कम चला हुआ किलोमीटर है। तो उसमें क्या क्या मॉडिफाई किया गया और क्या क्या कस्टमाइज लगाया गया है, बाकी उसकी और टायर की मतलब कितना परसेंट टायर उसमें बचा हुआ है, कितना परसेंट मतलब ख़त्म हुआ, मैं सारा सब कुछ आप लोग इस वीडियो में दिखा दूँगा। तो जल्दी से बुलाते हैं भैया को जो हमें सारा डिटेल्स दिखाने वाले। भैया स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप? बहुत बढ़िया। तो ये हमें सब कुछ दिखाने वाले। आपका नाम क्या है? सतपाल सिंह। सतपाल सिंह है, ऑब्वियसली थार है, आप समझ सकते हो। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो आप लोग देख सकते हो ये थार, बेसिकली आप लोग सिनेमेटिक्स में तो सारा देख ही लिए होंगे वीडियो कैसी क्या रहने वाली है। तो भैया आप हमें बताइए ये कौन सी मॉडल क्या रहने वाली है, एक एक करके डिटेल्स आप बताना शुरू करिए। ये 2013 मॉडल है और चली हुई है सिर्फ 5000। मात्र 5000 किलोमीटर चली हुई है, 2013 की मॉडल रहने वाली, जो कि ब्लैक, ये क्या शुरू से ब्लैक कलर थी कि इसमें ब्लैक कलर कस्टमाइज किया गया? ब्लैक ही थी। ब्लैक ही थी, ये पूरा ब्लैक ही था, बस ये मॉडिफाई हुआ है। हाँ, पूरा ओपन था ये, मतलब मॉडिफाई ये पूरा ओपन था ना पहले? जी जी जी। इसको मॉडिफाई करवा के बंद किया गया है ना? जी, इसको बंद किया, ब्लॉक कर दिया गया। इसको ब्लॉक कर दिया गया और इसमें कुछ कुछ कस्टमाइज भी मतलब चेंज हुआ, जैसे एलो व्हील ये सब का। जी जी, ये एक एक 25000 का है, मतलब एक एलो व्हील सिर्फ 25000 का, 5000 सिर्फ एक एलो व्हील आती है जी, जो कि कस्टमाइज करवाया गया है कस्टमर से। जी, और प्लस ऑनर सॉरी उससे। जी जी। तो ये 4X4 है ना? जी, 4X4 है। आप लोग देख सकते हो, बेसिकली आप लोग को पता ही होगा थार के बारे में। तो इसमें एलो व्हील तो कस्टमाइज किया आप लोगों ने देख ही लिया होगा। इसमें हेडलैम्प भी दिया, हेडलैम्प कौन सा है? ये बुलेट वाला है, बुलेट वाला है, बहुत लिखा हुआ है बट बहुत कम्फर्ट है, बहुत अच्छा कम्फर्ट है। और इसकी मतलब अच्छा, गाड़ी का कस्टमाइज में टोटल कॉस्ट कितना आ गया होगा भैया? लगभग 230 के आसपास। 230 के आसपास? जी, मतलब 2,30,000 के आसपास। 30 के आसपास, मतलब एक्स्ट्रा 2,30,000 के आसपास सिर्फ इसका कस्टमाइज खर्चा आ गया, जो कि बाहर से आफ्टर मार्केट करवाने में हुआ है, ठीक है। और गाड़ी के इंटीरियर आप लोग, इंटीरियर में गाड़ी का दिखा देता हूँ। इसकी आस्किंग प्राइस क्या होगी, कितने किलोमीटर चली है, मैं सारा सब कुछ आप लोग को दिखा दूंगा। पहले आप लोग गाड़ी के इंटीरियर देख लो अच्छे से। इसमें ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया गया, मतलब इसको एसी वगैरह सब कुछ, हाँ एसी वगैरह सब कुछ रनिंग है। और गाड़ी के इंटीरियर देख सकते हो, इंटीरियर में ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं किया गया क्योंकि इंटीरियर तो कोई देखता नहीं है, मतलब बाहर से लोग देखते हैं, इसलिए बाहर को थोड़ा सा मतलब मॉडिफाई किया गया। आप लोग देख सकते हो गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी है काफ़ी। और इसकी एक बार बूट स्पेस भी आप दिखा दीजिए। बात करते हैं गाड़ी की बूट स्पेस की, तो एक बार बूट स्पेस आप लोग देख सकते हो, जो कि इसमें बूफर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। आप लोग कुछ भी मतलब कस्टमाइज कराने की जरूरत नहीं है, गाड़ी आप लोग लेते हैं तो बस कर लो, पेट्रोल भराओ और चलाओ। बेसिकली पेट्रोल है कि डीजल? डीजल है, डीजल है ना, ये डीजल गाड़ी है महिंद्रा थार की। स्टेपनी भी एक बार दिखा दीजिए, आप लोग स्टेपनी भी देख सकते हैं। स्टेपनी भी कम से कम अभी भी 80% बचा हुआ है, सिर्फ 20% ही खत्म हुआ स्टेपनी, देख सकते हो। बाकी स्टेपनी में वो अलाउबल नहीं लगा हुआ क्योंकि इसको लगाने का कोई फायदा ही नहीं था। ये टायर पूरा मतलब ये ब्रांड न्यू है, ब्रांड वही तो ब्रांड न्यू टायर है, यूज नहीं हुआ टायर, ठीक है। बाकी ये सब भी टायर आप देख सकते हो, ज़्यादा कुछ मतलब खत्म नहीं हुआ, टायर खियाया नहीं है, बहुत परसेंट टायर अभी बचा हुआ। आप लोग इसको लेके आराम से अभी भी कितने मतलब किलोमीटर अभी चल जाएगी टायर? अभी 90% है, कम 90% है। नया लग मतलब एलोवेल जब लगा है तभी ये सारा लगा है इसमें, ठीक है। आप लोग देख सकते हो टायर अभी भी 90% बचा हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है। बात करते भैया इसकी माइलेज की, तो इसकी माइलेज क्या हो जाएगी? माइलेज तो शॉप में देखने जाएंगे तो फिर 11-12 के आसपास माइलेज। तो ये सब मतलब शौक की गाड़ी है, जो बंदे का शौक रहती है वो सब ज़्यादा ये सब गाड़ी यूज़ करते हैं। बाकी आप लोग को तो गूगल पे या कहीं भी माइलेज के बारे में तो इसको पता चल ही जाएगा माइलेज कराने वाली है। तो अब सबसे जो ज़रूरी बात है वो करते हैं, आप बात करते हैं इसकी कितनी प्राइस है, मतलब कितनी किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। भैया को इधर आ जाइए, आप ये गाड़ी चली हुई है 5000 ओनली 5000 किलोमीटर चली हुई है। तो अगर मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि इसका किलोमीटर के साथ कुछ मतलब छेड़छाड़ तो नहीं किया गया है, पूरा रिकॉर्ड है पूरा। आप लोग मतलब समझ सकते हो कि महिंद्रा थार जैसी गाड़ी है, इस पर तो छेड़छाड़ करके तो अच्छा खासा खर्चा आ जाता है, तो कोई करता नहीं बेसिकली। और इसका पूरा वेल मेंटेन रिकॉर्ड सारा सब कुछ आप लोग देख सकते हो गाड़ी की, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बाकी भैया का नंबर मैं स्क्रीन पर कहीं पर दे दूँगा,
और स्पेशली इसका लोकेशन नंबर में सब कुछ दे दूंगा। भैया इसको बात करते हैं, आज की प्राइस क्या हो जाएगी? भैया आप हमें बता दीजिए, अगर मेरा चैनल का नाम लेकर आएंगे तो लगभग कितना तक नेगोशिएबल हो जाएगा? कम से कम नहीं भी तो 580 तक आ जाएगा। आप लोग आगे देखो, बाकी मेरा चैनल का नाम जरूर लेना, मेरा नाम जरूर लेना कि मेरा चैनल लेके आयो, तभी आप लोग इतना कम हो पाएगा, वरना आप लोग को थोड़ा सा ज्यादा लग सकता। लेना ही पड़ेगा इनका नाम, लेना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा मतलब ठीक है, अच्छा खासा नेगोशिएबल हो जाएगा। मेरा वीडियो आओगे तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। 630,000 इसकी आस्किंग प्राइस होगी। अगर आप लोग मेरा चैनल का नाम लेके आओगे तो आप लोग को अच्छी खासी डिस्काउंट मिल जाएगी, जो कि इसकी न्यू प्राइस होने वाली है शायद 18-20 लाख ऐसे आसपास। 18 लाख की ना इसकी न्यू प्राइस आएगी 18 लाख के आसपास, और आपको ये मात्र 630,000 में आपको मिल रही है। उसमें भी कुछ नेगोशिएबल है, अच्छा खासा नेगोशिएबल हो जाएगा। आप लोग आओ, आके भैया से बात करो, मैं नंबर दे दूंगा। बाकी आप लोग अगर मुझे दूर से कहीं से देख रहे हो, जैसे कि अगर लोकल का लड़का आसनसोल से मुझे देख रहा है तो बिल्कुल आगे कार देख लो, अगर दूर से कहीं से देख रहे हो तो भैया से पहले कॉल पे बात कर लो कि कैसी क्या रहने वाली है, लोकेशन क्या रहने वाली है, बाकी भैया अवेलेबल है कि नहीं उस दिन। और आपका कॉल तो हमेशा अवेलेबल रहता है ना? 24 आवर कॉल हमेशा 24 आवर अवेलेबल रहता है। बाकी रात को कॉल मत करना, मैं यही बताना चाहूँगा, दिन को ही कॉल करना, रात को कोई भी किसी का भी पर्सनल मतलब टाइम भी होता है ना। तो आप लोग दूर से मुझे देख रहे हो तो मैं ही बोलना चाहूँगा, पहले भैया से कॉल करके कंफर्म कर लो भैया अवेलेबल है कि नहीं, सब कुछ कंफर्म कर लो आए कि नहीं है, उसके बाद ही आप लोग आना, नहीं तो आप लोग को भी हैरेसमेंट हो जाएगा। बाकी लोकल बंदे तो वो लोग आराम से आकर देख सकते हो, और मैं इतना गारंटी साथ बता रहा हूँ, आप लोग अगर गाड़ी को देखने आए हो तो आप लोग गाड़ी पसंद आ ही जाएगी। और गाड़ी अभी बेसिकली मतलब पानी का बारिश का थोड़ा सा गंदा हो रखा, पता नहीं कैमरा कैसे फोकस, बाकी गाड़ी पूरा नीट एंड क्लीन गाड़ी रहेगी, आपको पूरा वॉश वॉश होकर गाड़ी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। जी जी। सो फ्रेंड्स, आज का अगर ये सेकंड हैंड डील मतलब यही तक था। अगर डील अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ सेकंड से रिलेटेड, बेल आइकन भी ऑल पे कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट डील के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।